नमस्कार दोस्तों, आज कुछ सीडलिंग लगाई, उसको दिखाऊं आपको। पता तो आपकी आर्ट का, आपके हुनर का, अब पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। देखें किसमें कितना है दम। नहीं भाई, हम कोई कुश्ती की बात नहीं कह रहे हैं, सर्वसाधारण इंसान साधारण लोगों से ही बात करने जा रहे हैं। आपके पास बीज नहीं है, खाद नहीं है, कीटनाशक नहीं है, यही तो मौका है गार्डनिंग को अपने अंदर डालने का। जोर से बोल लो। और उसके छुपे हुए जितने भी तमाम कीर्तिमान है वो आपके पास, आपके से प्राप्त मेडल भी आपके नाम। तो मैं बात आपको सीडलिंग की करने जा रहा था। दोस्तों, ये समय बहुत ही कीमती है। हालांकि ये महामारी के नाम, हमें मानव का इतिहास जब लिखा जाएगा तो पता लगेगा कि हमने इसमें क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। क्योंकि मेरा संबंध पौधों से है, इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा बात करता हूं। कल मैं एक बात पढ़ रहा था, मिशिगन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रैंकलिन हैं, जो कि बॉटनिस्ट हैं। वैसे तो वो मेडिकल के नाम से हॉपकिंस और मायो क्लिनिक दुनिया में मशहूर हैं, अमेरिका में जो स्थित हैं। लेकिन उन्होंने एक बात करी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ही साधारण ढंग से। हालांकि वो है मेडिकल टर्म कि जो अधा के पेशेंट है। अब आप कहोगे अधा क्या होता है, ये बीमारी इस तरह की है, इसमें बच्चा भी ग्रस्त पाया जा सकता है और इंसान भी, जो टिक कर नहीं बैठता। अगर हम बात करें ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये ब्रह्मा जी जो सदैव ही भागते रहते हैं, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी। अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो आप इससे ठीक हो जाएंगे। अगर आप कभी गार्डनिंग में मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, इसके साथ ही कुदरत को, अब आपने कितने लोग होंगे जो इस खाली समय में अपने जीवन के बारे में सोचते होंगे, कुदरत की जो नियामत है उसके बारे में सोचते होंगे। ये चांद, ये सितारे, ये पौधे, ये कोयल की कूक, ये मोर का नाचना और उसकी आवाजें धधेना म्याओं म्याओं की तरह, कितने लोगों ने सुनी होगी, कितने लोगों ने इस पर विचार किया होगा। ले दे के हम बॉलीवुड की फिल्मों में ही घुस जाते हैं। लेकिन जब से मैंने कल ये बात सुनी तो मैं बड़ी हैरानी हुई कि जिस बच्चे को गार्डनिंग से प्रेम है उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। आपने देखा होगा भागते फिरते लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं हम जीवन किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, कितना हमने काम पूरा किया, सारी जिंदगी ऐसे ही। वो एक वो शेर है ना, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ये जो गार्डनिंग है, जो ये नेचर है, जाते जाते एक बात और करूं आपसे। जब हम स्नातक या स्नातकोत्तर के विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां एक उपन्यास आता था राकेश मोहन जी का, जो हिंदी के जबरदस्त उपन्यासकार हैं, जिन्होंने उन्हें पढ़ा होगा, का उनका एक उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन। उसमें धारावाहिक जो उसकी जो नायिका है, उनका नाम है मल्लिका, वो कहती है मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि बादल का उमड़ना घुमड़ना, बनना मिटना, मिटकर फिर बन जाना कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, ये वही महसूस कर सकता है जो हद दर्जे का। मैं जब वीडियो बना रहे हैं इसमें आवाजें आपको आ रही होंगी, जो भारत की वायुसेना, थल सेना, नौसेना है, यहाँ के जहाज जा रहे हैं, जो वॉरियर्स योद्धा हैं कोरोना में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कुदरत से प्रेम करने की। तो मैंने आपको डॉक्टर महोदय की बात बताई, मैंने आपको शेर में आपको बात बताई, मैंने आपको मिशिगन यूनिवर्सिटी के बॉटनिस्ट की बात। आप कहोगे कि ये क्या बोल रहे जा रहे हैं, अपने विषय पर तो आते नहीं। देखो, अब इसमें भी मैं शाराना अंदाज में कहूंगा, मैंने सीडलिंग की महफिल सजाई है, आप भी जरूर आना। ये देखिए गर्मी की सीडलिंग की है, इसके अंदर तुरई भी है, बैंगन भी है, घिया भी है, लौकी भी है, चप्पन कद्दू भी है, नसदार तोरी भी है, टमाटर भी है, सब कर सकते हैं। अगर कोशिश की आप इसमें सब दोबारा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जितनी भी मैंने सीडलिंग की, बस एक महीना रुक जाओ, या तो आप मार्च अप्रैल में कर लो, करने जाओ तो अगर बचाना चाहो तो कर सकते हो आप, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी है। अब किसको पूरे एक शहर में बांटने का दिल कर रहा है, सब प्रकार की इसमें। और कोई भी मैं ऐसा नहीं है कि बीमारी ग्रस्त हो,
जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ कि अगर आप इस महीने में कुछ करना चाहो ना, मैं आपको बतला देता हूँ, आप जुलाई कर सकते हो इस महीने में भी, ये जो मई का महीना प्रारंभ हुआ है ना, अमरांथस ले सकते हो, उसमें कोयम्बटूर टू है और रेड है, ब्रिंजल ले सकते हो, बैगन इसे पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, शामली, पूसा उत्तम, राजा नवीन और बादशाह। आप हैरान हो जाएंगे, अगर आप में कुव्वत है, शक्ति है, थोड़ी इच्छा शक्ति है रुकने की, प्रेरणा आपको निरंतर मिलती है, आप कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी की वैरायटी ले सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ऐसी वैसी नहीं, केवल और केवल जो कि अर्ली वैरायटी होती है, जिसमें पूसा देपाल, दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा स्नोबॉल, केवन मोती और नेशनल सीड कारपोरेशन के 101B और 102B चिली लगा सकते हैं। पंत चिली है, पूसा ज्वाला है, मोहिनी है, अर्का है, मेघना है, पूसा सदाबहार गोल्ड, मार्शल, अर्का हरिता। आप प्याज लगा सकते हैं इस मौसम में, बहुत ही जबरदस्त, ये खरीफ का प्याज है। इसमें आपको विशेष किस्में लगानी है, एग्री फाउंड रेड, भीमा सुपर एग्री फाउंड रेड, अकोला सफेद, पूसा रेड, नेशनल सीड कारपोरेशन की वैरायटी 301B। हैरानी की बात यह है, एक और डबल हैरानी की, आप मूली की खेती बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं भयंकर गर्मी में। उसकी कुछ जबरदस्त किस्में हैं, पूसा चेत की, पूसा रेशमी, चाइनीज पालक, काशी हंस, जैपनीज व्हाइट, मीनू अर्ली। तो आप देख सकते हैं कि आपकी अगर सीडलिंग जैसे मैंने आपको बतला रखा है अच्छी हो गई, तो आपने आधे से ज्यादा तो तैयारी कर ली। अब हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। अब इसकी जो जहां से वहां तक हमने जो ट्रांसप्लांट करते हैं, अब ये देखो बीच में मैंने गेंदा हमेशा घुसा रखा है, हर एक में गेंदा भी होना चाहिए। और दूसरी बात, टमाटर के लिए तो गेंदा का कॉम्बिनेशन बहुत बैठता है, लेकिन ये मेरे पास अभी उसके बीज नहीं थे। वो पिछले मैंने ब्लॉग में बतलाया था, क्या बोलते हैं उसे, पॉपकॉर्न, मकई। तो मकई बहुत जरूरी है कि जितने भी चेपे एफिड जैसर थ्रिप्स हार पर आते हैं वो इसके ऊपर बैठ जाते हैं। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, आपको गर्मियों में ना इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना है। ये देखिए, ये लोबिया की किस्में हैं, ये जो दलहन फसलें हैं। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि डीएपी आपको बिल्कुल नहीं डालनी, यानी कि नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं। इनके जो जड़ें होती हैं ना, जो दलहन की फसलें होती हैं, इसमें नाइट्रोजन होती है। आपके घर में कोई भी साबुत दाल उठा के 12 महीने लगा सकते हैं, डीएपी की, नाइट्रोजन की, यूरिया की बचत हो जाएगी। इनकी जो गांठें होती हैं वो करती क्या है, जो हाँ जैसे बताया कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो को ये प्रदान करती रहती है। तो ये ना सिर्फ आपकी खेती को उपजाऊ बनाएगी, फर्टिलाइज बनाएगी। आप कौन सी आप लोबिया लगा सकते हैं, आप गवार लगा सकते हैं। अब लोबिया की भी दो किस्में हैं, हर एक आदमी को इतनी जानकारी नहीं होती। एक सब्जी फसल के रूप में ली जाती है, एक और एक इसमें दाल होती है, दाल की वाली। तो एक लोबिया जिसे रोंगी भी कहते हैं, और ये जो किस्म है ना, ये सब्जी की फसल की किस्म है। अब इसका कैसे पता लगेगा, ये कटक करके टूट जाती है, इसके अंदर जाली नहीं होती। इसी तरह आप राजमा जिसे फ्रेंच बीन या फ्रांस बीन भी कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। उसके अंदर भी एक वैरायटी खास तौर पर आती है, लेकिन वो अब नहीं लगानी। फ्रांस बीन अक्टूबर में जाके लगती है। लोबिया आप लगा सकते हैं, उसके साथ आप गंवार भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सीडलिंग देखो, ये लौकी की हुई है, ये देखिए भिंडी की हुई है, ये देखिए भिंडी। मैं पूरा 1 किलो का पैकेट ही इसमें लगा डाला है, मैं 1-2 करके नहीं, होलसेल के व्यापारी होते हैं ना, थोक के ऐसे। अब ये सीडलिंग है, ये तुरई की है, ये भिंडी की है, यहाँ भी गेंदा लगा है। आप पीछे देखिए, ये जो लाइन है ये पूरी बैगन की है। ये टमाटर देखिए, अभी 3 किलो निकाले थे, अभी फिर हो गए हैं, अब इसको देखेंगे। अब ये मैंने एक पौधा लगाया है, ये देखिए, ये मोरिंगा है। मोरिंगा जानते हैं ना, आज की डेट में फिर इसकी बहुत बात हो रही है। इसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा, कभी 1 घंटे का हो जाएगा। अरे नहीं डरिया नहीं, 10-12 मिनट का। ये है सहजन, गिलोय से भी ज्यादा इसके फायदे हैं। ये इसके 6 साल पौधे हैं। ये तुरई है, ये भिंडी है। तो इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ।
उम्मीद है आज की वार्तालाप आपको अच्छी लगी होगी। जानने वाले बहुत हैं, प्यार करने वाले बहुत हैं। अब कुछ समय से रीचा जी बहुत ही सुंदर सुंदर प्रवचन से गार्डनिंग करती हैं। सदैव आभारी हूँ आप सबका, जितने प्यार दिया। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।